पुलवामा में शहीद जवानों की शहादत में कैंडल मार्च निकालने के दौरान आतिशबाजी छुड़ाने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। दोनों पक्षों के बीच हुई इस मारपीट के दौरान कई लोग घायल हो गए। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। शॉप पे काम करते हैं ना सामने, तो हमने शॉप बंद करी। इनका जुलूस हम लोगों ने देखा भी नहीं, कहाँ है। तो हम लोगों ने बम पड़े, हमारा तो शादी का काम ही है, तुम्हारे यहाँ शादी है मोहल्ले में, तुमने बम चलाया, ये लोग है बम नहीं चलाना, ये हम लोग अलग हट गए। तो वो राजू का लड़का आया, उनने घंटा बंटा मारना चालू कर दिया पूरा। राजू का नाम क्या है? राजू का नाम हिमांशु। तो उसको हम लोगों ने अलग किया, मामा ने अलग किया, उधर से अमित नाम का लड़का आया, मुझे पकड़ा, गिराया, पूरा झुंड मुझे मारा। फिर राजू गुप्ता है और उनका बेटा प्रांशु गुप्ता है, उनका उसी मोहल्ले के अनीश इंसान जो है, इनसे 2010-11 से कोई विवाद चल रहा है, जिसमें मुकदमेबाजी भी हो रही है। और इनका कहना है कि एक हफ्ता पहले भी कुछ विवाद हुआ था, तो आज शाम को मारपीट हुई है, मार्पीट में चोट लगी है इस पक्ष को भी, और उधर से दो लोगों को चोट लगी हुई है। अभी तक तहरीर नहीं प्राप्त हुई है, मेडिकल इनका कराया जा रहा है, जल्दी तहरीर प्राप्त होगी, तत्काल पहले जुलूस के दौरान क्या बात हुआ बता रहे हैं? नहीं, जुलूस के बाद विवाद हुआ है। दूसरे पक्ष का कहना है कि उसके घर में बहन की शादी है और उसने उसी पक्ष में पटाखा फोड़ा था, इस पक्ष द्वारा मना किया गया और उसी में फिर बात की।